दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज पॉसिबल में। मैंने आपको एक कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था किशोरावस्था पार्ट वन, आज मेरा किशोरावस्था पार्ट टू का वीडियो है। इसमें मैं आपको किशोरावस्था के सिद्धांत क्या हैं, किशोरावस्था का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो पहला टॉपिक है किशोरावस्था का विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत दो हैं, एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत जिसे हम त्वरित विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। जो पहला विकास है आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, इसके जनक जो हैं वो स्टेनली हल को माना जाता है, और स्टेनली हल ही वे व्यक्ति हैं जिनको हम किशोरावस्था का जनक भी मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 1904 में जो प्रकाशित हुई थी एडोलेसेंस, उन्होंने उसमें किशोरावस्था के बारे में लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो मानसिक शारीरिक और संवेगात्मक जो विकास है वो अचानक होता है। बच्चे में जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है तो उनमें जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास शामिल और जो भी विकास है वो अचानक होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत जो है वो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। दूसरा विकास आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस विकास के सिद्धांत को वो मानने वाले हैं किंग, हलिंगवर्थ, थर्नडाइक, इस विकास के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। उनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेदात्मक परिवर्तन जो है, इमोशनल्स जो है, वो निरंतर और क्रम से धीरे धीरे होते हैं। इस विषय पर हलिंगवर्थ ने अमेरिका महाद्वीप में के द्वीपों पर अध्ययन किया, युवाओं पर अध्ययन किया, किशोरों पर अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक विचार विकास है वो अचानक नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे निरंतर एक अनवरत प्रक्रिया के द्वारा होते रहते हैं। दूसरा अगला टॉपिक है शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो है, इस कड़ी में पहला आता है भार, वेट है। किशोरावस्था में प्रथम 15 वर्ष का जो काल होता है बच्चे का, किशोर जब वो बल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, इस काल में अलग अलग डिफरेंट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, लड़के और लड़कियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे भार को पहले लेते हैं तो पहले जो 15 वर्ष का ये समय होता है, इस अवस्था में लड़कियों का जो भार है वो लड़कों के भार की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और 15 वर्ष के पश्चात लड़कियों का भार कम हो जाता है, वो पतली और स्लिम होने लगती हैं, और लड़कों का जो भार है वो ज़्यादा होने लगता है। नंबर दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो लंबाई। प्रथम 11 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ती है, और लड़कों की लंबाई 11 से 14 वर्ष के बीच में क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन 11 से 14 वर्ष के पश्चात लड़कियों की हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होते होते खत्म बढ़ना बंद हो जाती है, और लड़कों की हाइट जो है वो तेजी पकड़ती है। लड़कों की हाइट जो है, जो लंबाई है वो 18 से 20 वर्ष तक बढ़ती रहती है, और लड़कियों की हाइट जो है वो 16 वर्ष के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा जो सिर या मस्तिष्क जो है, हमारा शरीर जो है, ये हमारा जो शरीर और मस्तिष्क जो है ये 16 वर्ष में पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, और इसका जो भार होता है वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है, और औसतन ये 1350 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियाँ जो हैं हमारे शरीर में, जो किशोरों की हड्डियां हैं वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 206 होती हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। मांसपेशियों के रूप में भी हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे विकास होता जाता है छोटी हड्डी मिलकर एक बड़ी और मजबूत हड्डी का रूप धारण कर लेती है, और पैराथायराइड ग्रंथि का यह काम यही है कि, और इसके बाद जब विकास क्रम में आगे बढ़ता है हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। हृदय जो है हमारा, हार्ट जो बीट है वो औसतन 72 बार धड़कता है, लेकिन लड़के और लड़कियों में भिन्न भिन्न होता है। पुरुषों में ये 72 बार पर मिनट के हिसाब से धड़कता है, और बालिकाओं में ये 69 पर मिनट के हिसाब से धड़कता है। दांतों की जो संख्या है, दांत जो हैं वो हमारे स्थायी जो दंत होते हैं वो जो 28 होते हैं, और प्रज्ञा दंत जो 4 हैं या जिसे विजडम टीथ कहते हैं, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा पहले आते हैं, लड़कों में ये विजडम टीथ बाद में आते हैं। इसके बाद मांसपेशियां जो हमारे शरीर की बॉडी की जो मांसपेशियां हैं जो बलिष्ठ और हमको मजबूत बनाती हैं, इनके ये हमारे शरीर के कुल भार का 44 से 45% के मध्य होता है। मुख जो है हमारे शरीर का जो फेस है, ये पुरुषों में माथा चौड़ा हो जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, बुलंदी आ जाती है। लड़कियों में क्या होता है कि आवाज में मधुरता आ जाती है,
शायद नाक थोड़ी सी लंबी होने लगती है और कोमलता उनको मिलती है। प्रजनन अंग जो शारीरिक विकास का सबसे प्रमुख अंग है वो प्रजनन अंग है। प्रजनन अंग दो होते हैं, एक तो मूल यौन अंग होते हैं और दूसरे गौण यौन अंग होते हैं। मूल यौन अंग में वह अंग आते हैं जो हमारे शरीर विकास से जुड़े होते हैं, गौण यौन अंग में वह अंग आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे शरीर पर बाल आना, दाढ़ी आना, लड़कियों के वक्षस्थलों का बढ़ना, फूलों का बढ़ना, ये हमारे प्रजनन अंगों के मूल और गौण अंग हैं। अगला है टॉपिक आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास किशोरावस्था में परिपक्वता की स्थिति में आ जाता है, बच्चे कल्पना करने लगते हैं, कल्पना शक्ति में रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं, उनमें स्मृति की वृद्धि होने लगती है, याददाश्त बढ़ने लगती है, लड़के दीवा स्वप्न देखने लगते हैं, हवा हवाई हो जाते हैं, तर्क वितर्क करने की शक्तियाँ आ जाती हैं और आपसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। मानसिक विकास के बारे में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने एक आयु निश्चित की बताई है कि इस अवस्था तक किशोरावस्था में बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है। जैसे स्पीयरमैन ने कहा कि 16 वर्ष की अवस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास है हो जाता है। हार्मोन ने कहा कि 15 वर्ष में हो जाता है। जीन प्याजे ने कहा 14 से 15 वर्ष की अवस्था में ये बच्चे में मानसिक विकास हो जाता है। टर्मन महोदय ने भी 16 वर्ष कहा। वाटसन महोदय ने 18 वर्ष आयु निर्धारित की मानसिक अवस्था इस अवस्था में हो जाती है। थार्नडाइक ने भी 18 वर्ष का समय बताया। हेराल्ड जोन्स और कॉनरेड ने 19 से 22 वर्ष की अवस्था में कहा कि बच्चों में यह मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। वुडवर्थ ने 15 से 20 वर्ष की आयु के बारे में कहा कि 15 से 20 वर्ष की अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है। अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास। बच्चों में संवेग जो होते हैं, जो किशोरों में जो संवेग होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। उनमें दया, प्रेम, सहानुभाव, सहानुभूति, करुणा, ये सब बड़ी परिपक्वता की स्थिति में आ जाते हैं। संवेग में परिपक्वता आ जाती है। संवेग प्रबल और अस्थिर बच्चे को अस्थिरता प्रदान करते हैं। इन संवेगों के कारण ही बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। शारीरिक शक्ति का प्रयोग संवेगों के आधार पर करने लगते हैं। अगर उनको क्रोध आया तो शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। काम प्रवृत्ति बढ़ जाती है जिससे काम प्रवृत्ति होने लगती है, उनकी भावनाएं बढ़ने लगती हैं। संवेगों का प्रभाव होता है। संवेगों की जो सबसे समस्याएं हैं, बच्चे संवेगों के कारण घरों से पलायन कर जाते हैं, अपना बिस्तर गीला कर देते हैं, शर्मीलापन आ जाता है, हकलाना और थकलाना आ जाता है, अंगूठा चूसना आ जाता है, नाखून चबाना आ जाता है, वामहस्तता आ जाती है, लड़कियां सबसे पल्लू छुपाने लगती हैं। दोस्तों ये था आज मेरा किशोरावस्था पर वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।